साहनी परिवार सिंहपुरा द्वारा रपिंदरजीत सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे संस्करण का फाइनल मैच आयोजित किया गया। बता दें मैच बाली ब्रदर्स बारामूला और यूएसए 11 अनंतनाग के बीच खेला गया। इस मौके पर वहां कई लोग उपस्थित रहे और जो है अतिथि भी यहां पर मुख्य तौर से उपस्थित रहे। और उनके साथ अमरदीप कैप्टन, वो भी सात के स्कोर पे खेल रहे हैं, सात गेंदों का सामना करके। ये जो आप आज टूर्नामेंट देख रहे हैं, ये सेकंड रविंद्रजीत सिंह क्रिकेट मेमोरियल टूर्नामेंट है। इसमें क्या है कि जो हमारे रविंद्रजीत सिंह थे, ये हमारे जेएंडके पुलिस के गोलकीपर थे हॉकी टीम के, और उसके बाद अंडर 23 जो हमारी कश्मीरी टीम थी उसमें भी इनकी सिलेक्शन हुई थी। तो ऐसा है कि जब हम एक बार सुना हमने कि ये प्रैक्टिस कर रहे थे, तो सुबह के टाइम इनका वहाँ हार्ट अटैक हो गया और वो ऑन ड्यूटी ही प्रैक्टिस करते हुए इस दुनिया से चले गए। तो उन्हीं की याद में जो उनके घर वाले हैं, उन्होंने ये टूर्नामेंट 2 साल से पिछले ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इस साल इसका दूसरा एडिशन है। दूसरे एडिशन में हमने क्या किया था कि इसकी 16 टीमें आई हैं, जो हमें कश्मीर से हमें 16 टीमें आई हैं, यानी कि 16 डिस्ट्रिक्ट, जितने भी कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट है उसमें से 16 टीमें आई हैं। इनमें पंजाब की कुछ टीमें लड़के भी आए थे और हमें जम्मू से भी कुछ लड़के आए थे। तो बहुत मेगा इवेंट हुआ था ये आज। जिनका बेटा था सरदार रुपिंदरजीत सिंह, जिनकी याद में ये जो सेकंड एडिशन ऑफ सरदार रुपिंदरजीत सिंह मेमोरियल टूर्नामेंट जो रखा गया है 2022 में, ये मैं समझता हूँ कि जहाँ पर हम उस अपने छोटे अजीज़ को याद कर रहे हैं, वहाँ पर उसकी याद में जो नव युवा हैं जो हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट के, उनके लिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म इन्होंने खोला है। मैं समझता हूँ कि आज जो हमारा नौजवान है जो ड्रग्स के घेरे में है, जो और भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे नौजवान को जो उनकी एक जो काबिलियत है उसमें उनको कहीं ना कहीं रुकावट डालते हैं, तो ये एक प्रेरणा है उनके लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नौजवान जो स्पोर्ट्स की तरफ आएँ। तो ये मेरे कार्यक्रम उलीकना और युवाओं को एक ऐसा आगे प्लेटफॉर्म क्रिएट करवाना, और आप आए हैं, आपका भी हम थैंक्स करते हैं, क्योंकि मीडिया आज एक जो हमारा ऐसा है कि हम बोल तो कश्मीर से रहे हैं पर ये आवाज़ मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड में जाएगी, और खासकर जो जम्मू कश्मीर को एक डिस्टर्ब इलाका कहा जाता है कि यहाँ पे मिलिटेंसीज है, जो ऐसी चीजें हैं, ये उसमें एक करारी चपेड़ है कि यहाँ पे ऐसा यूथ भी है जो अपने स्पोर्ट्स के राही या एजुकेशन के राही यहाँ पर, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की जितनी भी स्टेटें होंगी, मैं समझता हूँ कि हमारे जम्मू कश्मीर का जो भी यहाँ का युवा है।